हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में हमारे YouTube चैनल स्मार्ट होलसेल मार्केट इंडिया में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ लेडीज अंडरगारमेंट्स के फैक्ट्री का पूरा ओवरव्यू। दोस्तों ये जो मैं आपको माल दिखा रहा हूँ इस समय, ये रेडी टू डिस्पैच है। ये थोड़े देर में यहाँ से माल निकलने वाला है। ये एक कंपनी का कंसाइनमेंट था जो कि इन्होंने पूरा किया, और इस तरह का बहुत सारे ऑर्डर दोस्तों इनके पास आता रहता है क्योंकि ये बहुत बड़े मैन्युफैक्चर हैं और मतलब बहुत बड़े कंपनियों से इनका लिंक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से जितना मर्जी आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं, बनवा सकते हैं यहाँ से माल। दोस्तों अभी मैं इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रा बनने का पहला स्टेप होता है, पहले यहाँ पे कपड़े को अच्छे से यहाँ पे तय लगाया जाता है, उसके बाद इसको स्केच किया जाता है, फिर यहाँ पे जिस तरह की देख सकते हैं मशीन लगी हुई है कटिंग की जाती है। ओके, और यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कटिंग टेबल है, यहाँ पे ब्रा और पैंटी की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, और किस तरह से हो रही है यहाँ पे सर अब दिखाएंगे हमें, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनका रॉ मटेरियल रखा हुआ है, जैसे कोई कलरफुल माल बनता है तो उसका पहले रॉ मटेरियल निकाला जाता है, उसके बाद इसको डाई पे भेजा जाता है। तो कुछ यहाँ पे माल रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जब रॉ मटेरियल बन के आता है तो यहाँ पे इसको सूखने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, डाई के बाद जब डाई से बन के आता है तो यहाँ पे सूखने के लिए डाला जाता है इसको। और इधर देख सकते हैं माल सिलाई हो रही है। सर आप इस समय क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, मतलब कटे हुए पीस को जोड़ रहे हैं आप? ओके, अस्तर लगा के। ओके, ये अस्तर इसमें से कौन सा अस्तर है? इसमें से कौन सा अस्तर सर? ये वाला। ओके, रोजरी का। ओके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सेंट्रल जोड़ रहे हैं, ये वाला। ओके, ओके, ये सेंट्रल जोड़ रहे हैं इसका। ओके, सर अब ये क्या कर रहे हैं ब्रा पे? ये ब्रा पे लास्टिक लगा रहा हूँ। लास्टिक लगा रहे हैं। ओके सर आप ये क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? सर मैं बीडिंग निकाल रहा हूँ। बीडिंग निकाल रहे हैं। ओके, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? सर ये प्लास्टिक है, फोल्ड कर रहे हैं। ये डिज़ाइन है बेहतरीन, बढ़िया। ये चीज़ ये है, ऐसे इसे हम फोल्ड करके ये डिज़ाइन ला रहे हैं ये। ओके, मतलब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं आप? उसको डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है, ये है, ये सेम है पूरा लाइक पीस। ओके जी, ठीक है। फिनिशिंग, फिनिशिंग है। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर इस वक्त आप? सर हम इस पीस में तनी ही चिपका के देते हैं, तो आगे जाके फिर इसकी फिनिशिंग। ओके, ओके, ये आप लगा रहे हैं इसमें, ज्वाइंट कर रहे हैं तनी तनी,
लगाने के बाद सर उसके बाद फिर आगे जाता है, फिर पीको से इसकी फिनिशिंग होती है। ओके, पीको से फिनिशिंग होती है। ओके सर। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मैं फूल लगा रहा हूँ। फूल लगा रहे हैं आप? ओके, कहाँ पे लगता है सर फूल? इसमें बीच में लगता है कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं। ओके, इसमें बीच में फूल लगता है, सेंटर में। सेंटर में लगता है। हाँ, इस सेंटर में फूल लगता है, मोल्ड का मार। ओके, लास्टिक लगेगी, लास्टिक फूल लगने के बाद फिर लास्टिक लगेगी। ओके, अभी जैसे इसमें यहाँ पे फूल लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे लास्टिक लगेगा। लास्टिक लगेगा। ओके ठीक है। इस समय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लेवल लगा रहे हैं। लेवल लगा रहे हैं। ओके सर, आपको यहाँ पे काफी उम्रदार हैं आप, कितने समय हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 30 साल हो गया है, मतलब अपनी जिंदगी का लगभग 30% हिस्सा, मतलब 30 साल यहाँ पे इनको काम करते हो गया, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना कंपनी है ये। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस समय? सर ये बार टैग लगा रहे हैं जी, हम इसकी मजबूती के लिए, पीस की मजबूती है ना जी सर, ये मजबूती है ये। ओके, ये हम मजबूती दे रहे हैं, ये कंप्लेंट रहती है इसके हमारे पास। ओके, ये मजबूत काम कर रहे हैं, मतलब किस चीज की कंप्लेंट रहती है जी? ये उखड़ जाता है, ये उखड़ जाता है यहाँ से। हाँ, ये हम बाटक यूज कर रहे हैं इस पे ताकि ये उखड़े ना ये। ओके, बाटक किस तरह से हो जाता है बाद में दिखाएंगे जरा। ये सिलाई ऐसी है इसकी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मजबूती है, ये सिलाई यूं आ रही है। Okay. ये मजबूती की वजह से, मजबूती के लिए। ओके ठीक है दोस्तों, ब्रा में जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होता है वो होता है लास्टिक उखड़ने का, और इन्होंने एक स्पेशल मशीन लगा के रखा है यहाँ पे जो कि मेड इन जापान है, जूकी नाम से, और उस जोड़ को ये मशीन मजबूत बनाने का काम करती है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये मशीन मेड इन जापान है एकदम, मतलब ये स्पेशल, मतलब इसी के लिए ये बनी हुई है ये मशीन। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रा की पैकिंग हो रही है, और किस तरह से पैकिंग होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं दोस्तों इस समय स्टॉक रूम में इनके खड़ा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बॉक्स में पैकिंग पड़ी हुई है, और हर एक पे बहुत ही अच्छी पैकिंग है इनकी। पैकिंग की बात करें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पैकिंग है, और इस तरह से बॉक्स आने वाला है इनका, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला होता है, हर एक बॉक्स पे आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए ये आपको, और मैं अब दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ, दूसरी तरफ भी इसी तरह से माल स्टॉक किया गया है। ओके, ये देख सकते हैं, अब ये दूसरा हिस्सा इनका, और इधर भी बहुत सारे पेंटी ब्रा रखा हुआ है, ये देख सकते हैं।